पास आज का जो टॉपिक है वो वेब डेवलपमेंट की रिलेटेड है। सबसे पहले इसके दो पार्ट्स पे हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होता है फ्रंट एंड, और सेकंड पार्ट इसका होता है बैक एंड। फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जिसमें यूजर सारी अपनी चीज़ें व्यू करता है, लाइक आपको जो भी स्टाइल नज़र आता है, जो भी इसके अंदर फॉर्म वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ जो होता है वो फ्रंट एंड के अंदर होता है। बैक एंड के अंदर उसके डेटाबेस के साथ जो भी कम्युनिकेशन चल रही होती है वो हमारा बैक एंड ही आता है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, ये वाली लैंग्वेजेस। सर ये बताइएगा HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? HTML stand for Hypertext Markup Language. CSS केस के स्टाइल शीट के लिए जो होता है ये हमारी स्टाइलिंग को देखता है, कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह सारा कुछ, हमारे फॉन्ट स्टाइल, हमारा फॉन्ट फैमिली, जो भी हमारी हाइट जो भी होती है वो सारा हमारा CSS के अंदर आता है। हमारी HTML में हमारे सिर्फ पेजेस को डिफाइन करना होता है, उसके बाद हमारा जो बैकएंड भी आता है वो आता है हमारा PHP और डाटाबेस के लिए हम यूज़ करते हैं MySQL। ठीक है, अब PHP जो होती है हमारी बैकएंड की लैंग्वेज होती है, और हमारे डेटाबेस के अंदर जो हमारा जो भी डाटा इसके अंदर स्टोर होना होता है वो हमारी MySQL डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। PHP एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज की जाती है डेटाबेस के साथ। हम PHP के लिए डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हमारी वेब पेजेस डायनामिक हो जाते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू।